राधे राधे। मैं आपकी अपनी सुजाता फौजदार और मैं आप सबसे पहले मैं आप लोगों को नई साल की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। खुश रहें, अपनी जीवन की नई शुरुआत करें जो भी आप करना चाहते हो। और मैं आई हूँ गोकुल में यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मम्मी और मौसी के साथ आई हूँ जो कि पीछे आ रही हैं। इनको मैं आज बोटिंग कराऊंगी, इन्हें बहुत डर लगता है। तो यमुना जी में आज हम जाएंगे नाव में और आज आने वाले हैं मज़े। ये देखो, ये है गोकुल बैराज। तो मैं यहाँ पे आई हूँ गोकुल बैराज में। ये यमुना जी में झाग उठ रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ हो। कश्मीर के मज़े यहाँ मुफ्त में लिए जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। और मैं यहाँ पे कुछ रील्स भी बनाऊंगी। तो आज हम करने जा रहे हैं मम्मी के साथ में बोटिंग। वो लोग डरती हैं पानी से बहुत ज़्यादा, वो उधर खड़ी हुई हैं। तो हाँ भैया बताओ, ये नाव वाले भैया हैं, इनसे हिसाब हो जाए थोड़ा कि कितने कैसे कैसे ले जा रहे हैं। उसके बाद में फिर मंदिर के भी दर्शन करने हैं और बस नई साल को बस ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, यही चाहती हूँ। जी आजा मंदिर का नज़ारा देखो, जाते जो जमुना जी ऐसा दिख रही हैं। और जो पल्ली तरफ है मेरी कॉलोनी, जो गोकुल बैराज अभी हम यहीं आते माखन लग रहा है सही, ठीक है। और जो देखो जो नीचे यहाँ है जो मंदिर भगवान जी को, इधर तो बोलो सब प्रेम थे राधे राधे। ये मैं आई हूँ इधर गोकुल बैराज की पहली साइड में, उधर अभी मैं उधर थी, उधर साइड गोकुल की तरफ में, अब मैं आई इधर। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, ऊपर से नीचे आना पड़ता है। ये मौसी आ रही हैं, ये मैं जा रही, और यहाँ यमुना मैया को दूध चढ़ाया जा रहा है। और ये हैं मेरे ठाकुर जी, ये हैं मेरे भोले बाबा, और यहाँ पर दूध चढ़ाया जा रहा है। अरे ये तो हमारी मौसी के बाबा हैं, अरे हाँ ये तो हमारे रिश्तेदार निकले कुछ। चलो देखते हैं, बाबा राम राम, पहचान ली थी अपने घर पे, ये मैं आ गई बीवीआर पे, और ये बच्चे मुझे मिले जो कि जिन्हें तो सही से बताओ, शायद कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, आई होप साफ बोल पाते हैं, कन्फर्म नहीं है, बट ये मेरे आगे आगे आ रहे थे जब से ही इशारों से बात कर रहे हैं। ये बोल सकता है लेकिन ये इनका फ्रेंड है, ये सब बोल सकते हैं, वो शायद नहीं है, ये भी ये नहीं बोल, कोई नहीं बोल पाता, सुनता है सुनता, कोई भी नहीं बोल पाता, सब बोलते बहाने लगा रहे हैं, नहीं नहीं हाँ नहीं बोल पाते, सुन तो लेते होंगे ना तुम लोग, कोई कोई सुन लेता है, कोई कोई नहीं सुनता। हाँ कुछ कुछ लोग सुन लेते हैं, कुछ कुछ नहीं सुन पाते हैं। और ये सबसे छोटे भैया, और ये शायद इनका गुरु जा रहा है, कभी कभी पीट भी देते होंगे ये लोग। जी गिनती पड़ी थी, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोबारा से पढ़ के बता, दोबारा से पढ़ के बता, दोबारा से, दोबारा से। हाँ तो ये इन्होंने गिनती करी, हल्का हल्का बोल लेते हैं, कुछ लोग नहीं सुन पाते, लेकिन सच में सही है, अपनी जिंदगी खुश से जीत रहे हैं। एक दिन भी ना बोले इंसान 2 मिनट भी तो ऐसा लगता है कि क्या हो गया। तुम लोग नहीं सुन पाते हो, सही है, इन्होंने गैंग भी अपनी जैसा बना रखा है, एकदम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके।